रहे हैं डीडी नेशनल इंडिया का अपना चैनल। अफसाने बहुत हैं, तराने बहुत हैं, आपसे मिलने की तमन्ना रहती है, इसीलिए आप याद आते बहुत हैं। और इसी तमन्ना को पूरा करने आज एक बार फिर आपसे मुलाकात करने के लिए आ गई हूँ मैं श्वेता, लेकर वो सदाबहार नगमे जिनका रहता है आपको इंतजार आपके पसंदीदा कार्यक्रम चित्रहार में। स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में, जहाँ हम बातें करने वाले हैं उन फिल्मी गीतों की जिन्हें उन फिल्मों के नाम पर बनाया गया है और जो सुपर डुपर हिट होते हैं और उन फिल्मों की पहचान बन जाते हैं, क्योंकि वो गाने अक्सर हमें उन फिल्मों की याद दिला देते हैं। भारतीय हिंदी सिनेमा ने हमें मनोरंजन के साथ एहसास दिए, दिल को छू लेने वाले जज्बात दिए, कभी हमें हंसाया तो कभी रुलाया और कभी गुदगुदाया, और कभी कभी हमने इसकी एक रुमानी अदा भी देखी। ऐसी एक फिल्म थी आपकी कसम, जी हाँ, उसका वो टाइटल ट्रैक जो कि सुपर डुपर हिट रहा और इस फिल्म के लिए वो एक वरदान साबित हुआ, जिसके बोल थे करवटे बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम। 70 के दशक के सुपरस्टार काका राजेश खन्ना और चुलबुली मुमताज की जोड़ी पर ये गीत फिल्माया गया। और सदाबहार नगमों की महफिल सजे तो हम भला कैसे याद ना करें सन 1973 में आई फिल्म मनचली को, जिसका टाइटल ट्रैक ओ मनचली कहाँ चली लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था और ये संजीव कुमार की बेस्ट कॉमेडी मूवीज में से एक रही। इसके साथ ही इसमें जिस मनचली लड़की का किरदार एक्ट्रेस ने निभाया उनका नाम था लीना चंदावरकर। ओ मनचली कहाँ चली, ओ मनचली कहाँ चली, मुझसे न शर्मा, एक 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 मैं हूँ एक भौरा, हो और तू कली, देख 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 मुझसे न, और तू कली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली। टाइटल ट्रैक फिल्मों की पहचान हुआ करते थे और कई दफा तो ये टाइटल ट्रैक्स या टाइटल सॉन्ग फिल्मों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ करते थे, क्योंकि इन टाइटल ट्रैक से फिल्में याद की जाती थी, पहचानी जाती थी। और ऐसी एक फिल्म थी पत्थर के सनम, जिसका टाइटल ट्रैक गाया मोहम्मद रफी साहब ने। जी हाँ, अगर मोहम्मद रफी साहब की बात करें तो इतना कहना जरूरी है कि उनकी मखमली आवाज का जादू आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है। किशोर प्रेम का अल्हड़पन हो या टूटे दिल की व्यथा, परिपक्व प्रेम के उद्गार हो या फिर प्रेमिका से प्रणय निवेदन या फिर उसके हुस्न की तारीफ, मोहम्मद रफी का कोई भी सानी नहीं था। अगर प्रेम को छोड़ भी दीजिए जनाब, तो गायकी का कोई भी पहलू हो या मानवता का कोई भी पहलू हो, आस्था, धर्म, देशभक्ति, कव्वाली, गजल, लोकगीत या शास्त्रीय संगीत, मोहम्मद रफी के तरकश में हर एक तीर मौजूद था और उसी तीर से ये गीत निकला पत्थर के सनम। तो आइए देखते हैं ये गीत। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर
जब सदाबहार नगमों की बात हो रही हो तो हम शब्दों के जादूगर को भला कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंद बख्शी साहब की। सन 1970 में आई फिल्म खिलौना के लिए आनंद बख्शी जी ने गीत लिखे और उसका वो टाइटल ट्रैक इस फिल्म के लिए सुपर डुपर हिट साबित हुआ। जी हाँ, वो टाइटल ट्रैक लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हुआ। समय के साथ फिल्म इंडस्ट्री में लिखने का और संगीत का फॉर्मूला तो बदल ही रहा था, लेकिन टाइटल ट्रैक्स ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई। अगर बात करें आनंद बख्शी साहब की तो वो एक बेहतरीन पोएट तो थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बेमिसाल वो एक सॉन्ग राइटर थे। और उनका ये फॉर्मूला हुआ करता था कि वो हर गीत को गुनगुना कर लिखा करते थे। जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। जाना अभी से किस लिए मुँह मोड़ जाते, कड़ी में एक और सुपरहिट फिल्म का नाम शामिल है और वो है डॉन। बॉलीवुड में 70 के दशक को गोल्डन इरा कहा जाता था और उस दौर के हेयर स्टाइल, उस दौर की फिल्में, उस दौर के गाने और एक्टर्स के स्टाइल लोगों में बड़े पॉपुलर हुआ करते थे। और तभी सन 1978 में अमिताभ बच्चन की फिल्म आई डॉन, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और उस फिल्म का टाइटल ट्रैक हर किसी की जुबा पर छा गया। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया ट्रैक के इन अफसानों में वक्त का पता ही नहीं चला और समय हो गया हमारे जाने का। तो दर्शकों, अब हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं हमारा पता, जिससे आप हमें पत्र लिखकर बता सके कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा। तो आइए नोट कीजिए हमारा पता। चित्रहार, कमरा नंबर 826, दूरदर्शन भवन, टॉवर बी, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल आईडी है chitrahardddkdelhi@gmail.com। हमें आपके पत्रों का, ईमेल्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो हमें लिखते रहिए और गुनगुनाते रहिए सदाबहार नगमे। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। रंग रंग के फूल खिले मोहे भाए कोई रंग।